आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय है मूड चलना। आज के दिन में भय का बात है, अगर कोई किसी को बता दे कि मूड चलाया तुम पर, या फिर किसी के लाइफ में कुछ होता है तो उनको लगता है उन पर मूड चला। मूड चलना होता क्या है, बड़ा टेक्निकल टर्म लगता है। ज़्यादातर भारत में इसको बांध चलाना कहते हैं, मतलब कि आप पे किसी ने तंत्र प्रयोग किया है उसी को मूड चलाना बोला जाता है। क्या होता है तंत्र प्रयोग, मैंने पहले भी बताया है, तीन आयाम है इसके। पहले मंत्र की सिद्धि जिसकी हो, जो यंत्र को जागृत कर ले वो तंत्र को चला सकता है। मंत्र की सिद्धि मतलब वो फ्यूल है जिससे कि वो यंत्र, यंत्र मतलब मशीन चलता है, और तंत्र मतलब वो वेलोसिटी में आ जाता है जो भी क्रिया या प्रक्रिया है। तो क्या होता है काला जादू, क्या होता है मूड चलाना। मैंने बताया आपको कि एनर्जी जो होता है हमारे आसपास, एक ऑरा और एनर्जी फील्ड है, ठीक है, वो एनर्जी फील्ड हमारे हिसाब से बना है और उसी के हिसाब से हम सोचते और कोई भी क्रिया करते हैं। जब उस एनर्जी फील्ड में किसी और के एनर्जी को डाल दिया जाए, देखो हमें ऐसा लगता है ये तंत्र मंत्र जादू टोना, ये प्योर साइंस है, एंशिएंट साइंस है, और एल्केमी आज भी मानी जाती है। इसी एल्केमी का एक पार्ट है जो मरकरी की शुद्धि की जाती है या सोना बनाया जाता है, ये सब एल्केमी का पार्ट है। उसी का एक ये पार्ट है कि इंसान के जीवन में भी उसका अंतर होता है। देखो जिस भी तंत्र में नाखून का, बाल का, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग होता है, इसका मतलब है कि वो एल्केमी है। वो किसी के एनर्जी सिग्नेचर को किसी और के एनर्जी सिग्नेचर में मिलाने का एक उपाय होता है, ये एक तरीका है। दूसरा, प्योर शब्द से, ठीक है, आपका जो एनर्जी सर्कल है वो क्या है, वो माइंड है, ठीक है, उस माइंड में एक पैटर्न में आप सोचते विचारते हैं। और एक इंसान, इसीलिए कहते हैं नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता, ठीक है, तो क्यों नहीं बदलता, क्योंकि आप बचपन से लेकर के आज तक जो बने हो उसी हिसाब से आपका माइंड सेटअप बना हुआ है, तो वो एक पैटर्न होता है जिस पे आप चलते हो। आपके लाइफ में जो घटनाएं हैं वो भी बार बार होंगी क्योंकि वो पैटर्न होता है। तो अगर उस पैटर्न को डिस्टर्ब करना है तो कोई नया पैटर्न उसमें डाल दिया जाता है शब्दों के माध्यम से। शब्द ही वाइब्रेशन है, पैटर्न भी वाइब्रेशन है। थोड़ा सा ये हाई एंड है मेटाफिजिक्स का, लेकिन आप समझो इसको कि आप एक तरीके से सोच रहे हो, उसमें एक नई सोच को डाल दिया जाता है, तो आपको डर होगा, भय होगा, आपके जो ऑर्गन्स है ये भी वाइब्रेशन से बने हुए हैं, ये काम करना बंद कर देंगे क्योंकि इनका एक अपना पैटर्न था चलने का, वो पैटर्न खत्म हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हो कि गाड़ी का, कार के स्टेयरिंग को निकाल करके और उसमें जो है ऑटो का आपने हैंडल लगा दिया, ये होता है मूड चलाना। तो ये कितने डरने की बात है, सबसे पहला कि साधना में है या आपको डर है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपना सुरक्षा घेरा बना के रखें, ठीक है। सुरक्षा घेरा बनाने के अलावा जो दूसरा उपाय होता है वो ये होता है कि आप हमेशा हमेशा इस चीज़ पर विश्वास रखें कि कोई भी तंत्र चलेगा उससे ज़्यादा मजबूत मैं हूँ, क्योंकि मैं भी इस ब्रह्मांड का एक भाग हूँ। जब ये दोनों आपका फेल हो जा रहा है और आप पे मूड चल गया, मान के चलो आपको लग रहा है आप पे काला जादू है, तो फिर आते हैं गुरु शरण में। तो गुरु श्री कानिफनाथ जी ने एक मंत्र दिया था, ये मंत्र किसी भी तरीके के तंत्र प्रयोग को लौटाने का है, ठीक है, मतलब वो भाग जाएगा, लौटने वाली बात तो हमें होती नहीं अघोरियों में। तो ये तंत्र है किसी भी तंत्र प्रयोग को भगाने का। इसमें करना क्या है, कोशिश खुद से ना करें, किसी और से करवाए, जो जानकार है उसको ये मंत्र दे, बोलो कि ये तरीका है, इस तरीके से ये मूड भागेगा। देखो अघोरियों में हटाना, साफ करना ऐसा कुछ नहीं होता, भगाओ। तो जब कानिफनाथ जी ने मूड का मंत्र दिया तो उन्होंने बोला भगाने का मंत्र, ये काटने का मंत्र नहीं है, ये रोकने का मंत्र नहीं है, ये साफ करने का मंत्र नहीं है, ये भगाने का मंत्र है। तो काफ़ी एग्रेसिव मंत्र है। तो इसको कैसे करोगे, पहले तो स्क्रीन पे मंत्र देख लो और इसको नोट कर लो, ठीक है। माँ चंडी का मंत्र है, माँ सानी चंडी का मंत्र है, कानिफनाथ जी द्वारा प्रतिपादित है, कानिफनाथ जी ने इस मंत्र को दिया है। तो इस मंत्र को आप लोग कंठस्थ कर लेना करने से पहले, मान के चलो आपके घर में किसी पे है या फिर कोई आपका क्लाइंट है तो आप उसको करो। कैसे करना है, तस्वीर ले लेना जिस पर मूड चला है, ठीक है, और तस्वीर के ऊपर में हल्दी लगा हुआ चावल
टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित चावल नहीं होने चाहिए। तो टूटा हुआ चावल जो है वो आप ले लो, मतलब टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, ऐसे चावल ले करके आप हल्दी में मिला लो और उस व्यक्ति के तस्वीर के ऊपर पूरे तरीके से उसको फैला दो। देखो जब तस्वीर नहीं होती थी, जब फोटोग्राफ नहीं होते थे, तो तस्वीर बनाई जाती थी, नाम लिखा जाता था और उसको सिद्ध किया जाता था। वो प्रक्रिया अब चाहिए नहीं, क्योंकि अब तस्वीर सीधे बन जाती है। तो तस्वीर रखो, उसके ऊपर हल्दी मिला हुआ चावल पूरा फैला दो और उसके बाद इसका कम से कम 11 माला जाप करो। 11 माला जाप करके 108 बार गूगल और तिल से इस मंत्र का हवन करो, ठीक है। सिर्फ इतना मात्र करने से एक बार इसका साधना जो है, इसका प्रयोग आप रात में करोगे, दिन में नहीं करते इसका प्रयोग। और अघोर वस्त्र में करना, चाहे तो कोई वस्त्र ना हो या फिर काला वस्त्र हो, आसन नहीं लगाना, आसन नहीं होगा। और बाद में मसान में जा करके जब काम हो जाए, मतलब हवन वन हो जाए, तो मसान में जा करके 3 धार देना शराब की। इतना करने से जिसके ऊपर, जिसने भी मूठ किया है, वो भाग जाएगा। तो इस मंत्र से बहुत लोगों का जन कल्याण आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी है, वो मत करना। अगर आप किसी पे श्योर नहीं हो, मान के चलो किसी को लगता है उस पे काला जादू है, वैसे व्यक्ति पर इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, जब तक आप 100% श्योर नहीं है कि अगले व्यक्ति पर किसी प्रकार का काला जादू किया गया है, तब तक इस मंत्र का प्रयोग नहीं होगा, ये आप समझ लो, ठीक है। आगे चलकर मैं मुंह चलाने की एक विद्या बताऊंगा, लेकिन आप उसमें किसी का बुरा नहीं कर सकते। अच्छे के लिए भी तंत्र चलाया जाता है, उसका मैं आपको आने वाले समय में कानिफनाथ जी मंत्र के हिसाब से, कानिफनाथ जी ने जो हमें तंत्र दिया है उसके हिसाब से मैं आपको विद्या बताऊंगा। आप लोगों को अगर साधनाओं का बेसिक जानकारी चाहिए साधना की, तो आप मेरे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो, उसके लिए मुझे आप व्हाट्सअप करें। इसके अलावा जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है, जो उनसे बात करना चाहते हैं, तो मेरा किताब है अ हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, उसको आप खरीद सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। ये पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मेरा वेबसाइट है www.aghortantrarahasya.xyz, इस पर अपॉइंटमेंट सेक्शन, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझे कॉल मी फॉर ऐप पर आप रुद्रनाथ सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश अलग।